हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइंड एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इन रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। अब हमें दो नंबर दिए हुए हैं 2 and 2.5, इनके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये दो नंबर्स हैं ए एंड बी, लेकिन इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि जो ये ए इंटू बी करके आंसर आएगा, 2 multiply by 2.5 करके आंसर जो आएगा, जैसे यहाँ पे आया 5, तो ये जो नंबर आएगा a इंटू बी करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या आएंगे, जैसे 36, 25, 16, ऐसे ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, एक होल नंबर आ सकता है हमारे पास, वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तब हम इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अब इस केस में हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा रूट ए बी। तो अब रूट में हम लिखेंगे 2 multiply by 2.5, अब ये क्या आ गया, रूट 5। अब यही हमारा आंसर हो गया, इरेशनल नंबर निकल आया। तो इसी तरीके से हम कितने भी इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और हो सकता है, आपका आंसर कुछ और हो सकता है। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।